डायरेक्ट कनेक्शन उस किले का है और यहाँ से पता तो क्या है कि बेसिकली मेन चीज़ ये है कि उस किले से जिस टॉप पॉइंट वहाँ का है वहाँ से बोला जाता है कि पाकिस्तान पूरा दिखता है, मतलब एक उस किले के पॉइंट से पूरा पाकिस्तान दिखता है कि वहाँ पूरे डेजर्ट में सबसे ऊंची जगह है, काफ़ी बेहतरीन जगह है। और देखते हैं क्या कि बहुत बहुत और ऊपर सोच रहे पॉइंट जाए तो मज़ा आना है। और इधर से नीचे का नज़ारा और ज़्यादा भयंकर होते जा रहा, खतरनाक बेहतरीन है। इधर देखते इधर भी जाने लायक है कि नहीं, इधर तो कुछ और पॉइंट है, यहाँ सबसे ऊपर पॉइंट शायद आई थिंक यही है। और होता है इधर से भी है, क्या क्या इधर गजब गजब बनवाया था भाई, ये हवेली ना ऊँचा ऊँचा, तब उस समय में इतना लोग बिल्डिंग जैसा बनवा दिए थे ना ऊँचा, क्या वाह वाह। टॉपेस्ट पॉइंट और ये इस हवेली का सबसे टॉप पॉइंट है। यहाँ स्टोरी होती पहले मैं वहाँ पे था, फिर वहाँ से सबसे टॉप पॉइंट पे आ गए, बहुत बेहतर। वो किला भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा, तो इस समय मैं सबसे टॉप पॉइंट पे हूँ और वो पीछे गोल्डन फोर्ट का किला दिख रहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा और भव्य पूरा किला। इस हवेली से किले का पूरा बेहतरीन नज़ारा है और ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पे इस हवेली के सामने, ये इधर भी थोड़ा सा बचा हुआ है बस जाते थे। फिर गए फिर और अंदर की तरफ चल रहे हूँ और ये चौथा पॉइंट आया अंदर जाने का, मैं इतना ऊँचाई। और स्थानीय कल्चर का यहाँ गाना शुरू हो रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, राजस्थानी ट्रेडिशनल, वाह बहुत बढ़िया राजस्थानी ट्रेडिशनल। आप सुन सकते कितना सुंदर तरीके से लोग बोल रहे हैं, पधारो अतिथि भले लेते। और गाइस ये फोर्थ गेट देखिए, फिर से दरवाजा, मैं विश्वास नहीं हो रहा, चार चार दर एक अभेद किला, इसको कंक्यूर करना इट नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चार बड़े बड़े लोहे के दरवाजे अब बिल्कुल अंदर तक जाता है ना, उस समय के क्या आज तक इतनी भव्यता कामा कायम इसके कि देखे हमें पता नहीं। और बिल्कुल अंदर आ गए हम लोग मेन पॉइंट की जगह, लेकिन बहुत अच्छा अंदर का व्यू देखते हैं, पूरा दिखाता ऐसा है भाई, ये इतनी बड़ी हट क्या है इसके अंदर, ऐसा खाली है तो इतना बड़ा गगड़ा, वाह फर्स्ट यही भाई, कितनी अद्भुत क्या क्या लोग बनाए थे, पूरा लोहे का बना हुआ है बड़ा सा गगड़ा। चल रहे आगे की तरफ देख, यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा, पूरा महल की नक्काशी इतनी ऊंचाई और कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया है भाई, नज़र हटाए अच्छा है। किले के अंदर फिर एक एक गेट और फिर अंदर की तरफ चलते हैं, हाँ अंदर की तरफ गजब होते जा रहा, ये ऐसा ही लग रहा है राजा वाला महल, पूरे भव्य नक्काशियों के साथ राजाओं वाला महल, मेहरानगढ़ का असली शान, राजस्थान की शान मेहरान, अच्छा पड़ जा रहा है वो बन गया। चारों तरफ से यहाँ एक समय राजा रहा करते थे, यहाँ के राजाओं के सो लगे हुए हैं पोस्टर, समय के ये जो राजा रहे हैं ये है। अब अंदर का व्यू जानते हैं कि अंदर में क्या है, यहाँ पे साथ कुछ रखा हुआ पालकी, देखिए राजाओं की पालकी पहले वाली, ये जो है यहीं पे बैठ के आदेश करते होंगे अपने सैनिकों को, देखिए एक और पालकी। लास्ट पॉइंट से व्यू आ रहा है, यही सबसे लास्ट पॉइंट में, यहाँ से मेहरानगढ़ का मोस्ट ऑफ द व्यूज आ जाता है, उसके नीचे पूरा
हाई है वहाँ पीछे से इतने अच्छे से नहीं आएगा। सो यहाँ सबसे बेस्ट पॉइंट है और सबसे बेस्ट पॉइंट देखना अपने आप में कास्ट चल रहे हैं और देखते हैं कितना बेहतर है अंदर से। यहाँ से गाइस ब्लू सिटी का नज़ारा बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, मेहरानगढ़ फोर्ट से पूरा नज़ारा क्या बेहतरीन आ रहा है। फाइनली चल रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, यहाँ से उसका गेट का दरवाज़ा अंदर चल के देखते हैं ये सब कलाकृतियाँ कितने उस समय की बनी हुई, कितनी भव्य लग रही हैं। हर तरफ काशियों का वो भाई पहले के राजाओं लोगों का महल क्या बनवाता था लोग, कितनी हाइट, बहुत हाइट इसका महल, इतनी हाइट का भाई महल आज तक ना मैंने देखा। अब ये ग्राउंड नीचे से भी है फिर ऊपर जाके हाइट, वाह तो कैमरा वर्टिकल करना पड़ रहा है। टिकट काउंटर यहाँ से टिकट लेके लोग अंदर जाते हैं, ये भाई गजब का नज़ारा, ये यहाँ से बिल्कुल हाइट से, ओ भाई उतना इतना हाइट कितनी है ऑलरेडी यहाँ से हाइट फिर उसके ऊपर उतनी हाइट, क्या बेहतरीन नज़ारा। और गाइस ये कम से कम ये 100 से 150 मीटर की हाइट, इट मीन्स कि कम से कम ये 15 से 20 फ्लोर का होगा कन्फर्म, इतनी ऊँचाई पर एकदम बड़े बड़े वाली महल, क्या नज़ारा इतना अद्भुत बेहतरीन। और ये सुरंग वाला गेट यहाँ से, और इसका भी पॉइंट ये इतना, देखिए दरवाज़ा निकाल दिया क्या है भाई, कम से कम अभी अकेले ये कम से कम 15 मीटर का होगा, 15 से ज़्यादा ही दरवाज़ा, एकदम बिल्कुल लोहे का कटीला बना हुआ है, ऐसे एकदम से बारूद भी लग जाए ना पूरा टूटेगा नहीं इसका दरवाज़ा। अब कितने मतलब आपको होता है मोस्टली सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, ना भयंकर कभी कोई जा ना पाया। और एक नहीं यहाँ चार चार दरवाजे गाइस लगते थे, चार चार दरवाजे यहाँ लगते थे। अब बिल्कुल अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर है। और यहाँ से पूरे किले का वो पॉइंट आ रहा है पूरे कॉर्नर तक, और ब्लू सिटी गाइस, ब्लू सिटी यहाँ से जा रही है, यहाँ से हाइट कम से कम 150 से 200 मीटर के, मुझ आदमी एकदम छोटा बच्चा यहाँ आदमी है, देखिए दिखा देखिए एकदम बच्चा लग रहा है, इतनी ज़्यादा हाइट इतनी लंबाई है इसकी 100-150 मीटर। और ये चट्टानों, ये पूरा चट्टान को काट कर उसके बीच से बनाया गया है। फिर गाइस दूसरे दर्जे के फ्लोर पे तो ये उसका तीसरा गेट, तीसरा सबसे मजबूत जो गेट है जो सामने है इस किले में, मेहरानगढ़ किले का तीसरा सबसे मजबूत गेट, और इसकी लोहे कितनी मोटाई का और ऊंचाई में 25 मीटर का गेट, कितना 25 मीटर का गेट, 25 मीटर अंदाज़ा लगा सकते कितना, मैं पास से दिखा रहा हूँ तब पता चलेगा। और उससे पहले मैं यहाँ वाला रूटीन दिखा रहा हूँ, कम से कम ये शहर में अगर बिल्डिंग बनेगा तो कम से कम 20 से 25 फ्लोर होगा, इतनी ऊंचाई यहाँ की, पूरा उधर से लेकर पूरा बर्जा वाला जगह गजब पहाड़ के ऊपर, और ऊपर भी जाएंगे तो इतनी ऊपर क्या है। चलो जिस गेट का वो आप समझ सकते हैं, गेट हाँ ये गेट है कि क्या, जब पूरा कोने तक गया है, इतना भयंकर ये गेट है ना मोटा, वाह वाह। चलो अंदर की तरफ और देखते हैं भाई क्या क्या यूनिक की जाने वाली है इसके अंदर। देखिएगा इस पूरा ढलान बना हुआ है, ढलान से होते हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ये छोटा छोटा पॉइंट। और इस किले की सबसे पहचान है इतनी हाइट इसकी है, क्या वो कैमरा भी वर्टिकल करने पूरा नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल पूरे हाइट पर इसको बनवाने वाले भाई क्या राजा रहेंगे और कैसे बनवाएंगे। चले अंदर तब यहाँ से बर्जे का पूरा पॉइंट बड़ा ही भव्य आ रहा है, नीचे से कम ये 150 से 200 मीटर था, यहाँ से लगभग तो था 100 मीटर होगा, पूरे उधर ऊँचाई पर था। बाइट बाइट फिर गए फिर और अंदर की तरफ चल रहे हैं, और ये चौथा पॉइंट आया अंदर जाने का, मैं इतना ऊँचाई, और स्थानीय कल्चर का यहाँ गाना शुरू हो रहा है, देखते हैं। काफ़ी ही सुंदर गेट, तो सामने जो है वो मतलब एक बहुत बेहतरीन नज़ारे वाला एक किला, और देख रहे हैं अंदर की तरफ क्या क्या है, चलते जा रहे हैं। और ये राजस्थानी कल्चर, ये एक बात है कि जितना फोर्ट्स का जो जो पॉइंट बना है इस कलर में बना है, मतलब गोल्डन फोर्ट्स के नाम से वो है, फेमस है, सो इसका जितना वो सब मोस्टली। तो इस किले का जो राजा महल है जहाँ किंग रहते हैं तो वो है, और ये उसमें के अंदर इसी के अंदर अंदर यहीं से सटा हुआ रानी महल है, मतलब राजा का रानी का महल एक साथ पास में ही है।
और महल के जस्ट बगल में एयरफोर्स एरिया है जहाँ से पूरा पेट्रोलिंग हो रहा है बॉर्डर साइड का। सोने के महल के नाम से मशहूर ये किला रात में बिल्कुल लग रहा है ऐसे सोने जैसा चमक रहा है, जैसा लग रहा है पूरे इसके महल के दीवारों को सोना लगा हुआ है। ये महल के अंदर का जैन टेंपल एकमात्र ऐसा किला जिसके अंदर लोग रहते हैं। हम लोग भी आके महल में ही रुके हुए, बहुत ही रोमांचित है। तो गाइज ये जैसलमेर फोर्ट का सबसे मतलब टॉप पॉइंट पर से हम हैं सुबह सुबह और एकदम सनसेट इस साइड जो है बैक साइड पूरा सनसेट है। सन है ये, कितना बेहतरीन लग रहा है ये सन सनसेट व्यू। और ये पूरे किले का हर तरफ कह रही सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, तब इतना तब यहाँ से गजब का नज़ारा पूरा। और ये सनसेट क्या गजब लग रहा है, इट मीन्स कि ये डेजर्ट के सबसे टॉप में मतलब पूरे जो थार डेजर्ट है सबसे टॉप पॉइंट यहीं पे है। और यहाँ से ये जैन टेम्पल जितना फोर्ट में, यहाँ बहुत स्पेशल चीज़ है ये कि जितना कुछ है सब फोर्ट के अदर ही है। इट मीन्स होटल घर मोस्ट ऑफ द थिंग पूरे फोर्ट के अंदर, जितना लगता है साम्राज्य बसा हुआ वहाँ फोर्ट के अंदर से है। और ये आसपास का देखो पूरा इधर से जितना पूरा सिटी दिख रहा है पूरी की पूरी सिटी। और इधर से वो सब थोड़ा दूरी पर विंड मिल दिख रहा है, वो विंड मिल पूरी लगी हुई है। चलें कुछ समय में देखें विंड मिल। और विंड मिल के आगे जो वो सब सीन दिख रहा होगा वो पूरा, मुझे तो बस अकेले लोग बोलते कि ये वो पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से कुछ पास ही में है, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से पाकिस्तान दिखता है। अभी जब वो होगा धूप होगा तो मतलब वही पूरा पाकिस्तान नज़र आएगा। और देखते हैं धूप के समय कैसा नज़ारा यहाँ से आता है, लेकिन इतना बेहतरीन नज़ारा यहाँ से आ जा रहा है गजब का, लेकिन मज़ा आएगा यहाँ से व्यू सनसेट वाला व्यू। और फिर जो 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 भी आ रहा है पूरा ये डेजर्ट का एकदम बेहतरीन वाला व्यू। और ये भी सनलाइट भी आ रहा है, उधर बैक साइड झील है, देखते हैं क्या क्या है पूरा विंड में। और गाइस कुछ ही दूरी पे से आर्मी कैरियर ने एयरफोर्स, सो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, देखते हैं। ये मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर है, एकदम लगता है सर के पास नहीं जाएगा, देखते हैं। ये रहा मिलिट्री हेलीकॉप्टर बिल्कुल पास से जा रहा है। और सनसेट व्यू के साथ इसका क्या ये सनसेट व्यू गजब है। जस्ट उसके बगल झील भी सोने जैसी चमक रही है, झील भी जस्ट का और सनसेट व्यू का क्या पूरा सैलानी नज़ारा देते हैं सुबह सुबह का। तो ये पूरा फोर्ट्स का सनसेट का तो पॉइंट इतना बेहतरीन आ रहा है। वो जस्ट उसके आगे वो जो एरिया पूरा एयरफोर्स का एरिया है, जो मेन बॉर्डर पॉइंट का एयरफोर्स है बस उसी का एरिया वहीं पर। तो देखते हैं कैसा है पूरा वो एयरफोर्स आ जाता है, बैटल ग्राउंड वगैरह जितना वो सब ग्राउंड है, परेड ग्राउंड वगैरह सब। और ये जो जैन टेम्पल है ये रेगिस्तानी पत्थरों को बहुत ही बेहतरीन नक्काशियों के तरीके से काट के लगाया गया है। और एक महल की, इस महल की खासियत है कि इसमें होटल्स और लोग यहीं रहते हैं, हम लोग भी आए तो महल में ही रुके हुए हैं। 21 सुखोई नहीं, ये भी वही है 21 ही है, पेट्रोलिंग बॉर्डर के पास। डबल ले लें 21। और जो फाइटर प्लेन्स से ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हर देश अपना पेट्रोलिंग करता है। वो पूरा विंडमिल वाइट वाइट दूर से पूरा सीन उठा कर दिखा रहा जा रहा है और मैं दिखा रहा हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ फोर्ट के पास। ये पूरा शहर का व्यू गजब का व्यू।
जैसलमेर शहर का पूरा व्यू। तो उधर एयरपोर्ट है जो लास्ट में दिख रहा है। रेगिस्तान में सबसे ऊंचा और ये सोने ऐसा चमचमाता महल जहाँ से पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर भी देखा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। गजब का फैक्ट है। ये देखने चल रहे हैं ये सब क्या क्या चीजें हैं। और जैसलमेर फोर्ट का गेट तो अंदर की तरफ चल रहे हैं गाइस। ये यहाँ के ये सब मोस्टली जो कपड़े दिख रहे हैं ये शायद हाथ से ही बना रहता है। ये सब जो कपड़े ना हाथ से ही बने हुए हैं, यहाँ की जो डिजाइनिंग वगैरह है सब हाथ से हाथों से बुने हुए कपड़े बहुत ही बेहतर लग रहे हैं। जितना भी सब कपड़ा है सब हाथ से बुना गया है और इतना ही लगता ही नहीं कि हाथ से बुना गया। यहाँ की काफ़ी व्यू पॉइंट कितना गजब आ रहा है। और वो विंड मिल है आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा या थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एग्जैक्टली वही विंड मिल का है। चलेंगे कल तो पूरा अच्छे से देखेंगे, लेकिन इस यहाँ से भी उसका व्यू काफ़ी रहा। वो पूरा डेजर्ट एरिया साइड साइड पूरा डेजर्ट का और दूर तक काफ़ी गया है बेस्ट सर। और ये भी बोला जाता है कि पहले के समय में रेगिस्तान में वो पाया जाता था जो सोने बहुत ज़्यादा सोना पाया था, तो इस महल का किसी न किसी तहखाने के अंदर वो रखा गया है। लेकिन वो कहाँ रखा है कि आज तक कोई नहीं जानता, बस महल ही सोने से लगा हो तो जरूर। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से फोर्ट का और सनसेट का व्यू है। कितना बेहतरीन नज़ारा रहा वहाँ। ये गोल्डन फोर्ट का बाहर से एरिया बहुत ही अद्भुत, ये देखने में लगता है इसे गोल्ड का ही बना हुआ। इसका वैसे पेंट नहीं है, वो पत्थर कलर ही इस टाइप का है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि रात के समय स्पेशली चाहे समर हो, लेकिन रियली दे आर ऑल द रियल बैट्स। लेकिन सब सब देख अब देख 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 और ये रश्मि आवाज़ों के साथ रश्मि काफ़ी आ रही है, प्लस ऊपर से सांप है, मतलब खतरा हर तरफ से है। हमको तो सांप मैं दिखा रहा हूँ सांप। देखिए ये जो ये बिल, ये पूरा जितना बिल है सब सांप का बिल है। और गजब कैसे यहाँ बिना और जूता को तो बिल्कुल नहीं आने लायक, इतने सारे सांप के बिल सब में आप कराए थे क्या क्या कौन सा ध्यान है क्योंकि बहुत बंदा इसमें गजब। कुलदरा गांव के इस पुराने खंडहर वाले मंदिर में कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं, तो धड़ाधड़ दिखा रहा हूं। देखिए क्या है, लाइट जला के ये मैं दिखा रहा हूं। ठीक है देखिए इतना यूनिक चीजें क्या मिलती। वही बोला गया चाइनी और चाइना वालों का नहीं पूरा खा जाता था इतने सारे। और ये देखिए इन लोग का सियाना, सब इतना रिसर्च करके अंदर जा के दिखाने का मतलब भाई लोग सोच रहे होंगे इट इज विच इज नियरली इम्पॉसिबल थिंग्स आई सो। देखिए इसे लग रहा है कि चिपका रही है था पोस्टर ऐसा चिपके हुए हैं सर यहाँ से पूरे। देखिए इतनी बेहतरीन भयंकर जगह में आकर इन चमगादड़ों के बीच देखिए यहाँ पे आना और ये सब दिखाना, ये एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। टूरिस्ट ट्रेवलर
के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है वो ऐसा ऐसा दिखा सकता है कि यू कैन नेवर बिलीव इन योर लाइफ, इस टाइप का भी दिखा सकता है कि जो कोई विश्वास नहीं कर सकता। देखिए लग रहा है कि पूरा पोस्टर सर पे देखिए, लेकिन रियली दे आर ऑल द रियल बैट्स, गजब के दिख रहा है पूरा। काफ़ी यहाँ से पूरा गांव का आ जाएगा, पूरा सीन जितना सीन है सब आ जाएगा। इधर मंदिर भी आ गया, इधर एकदम दूर वाला गांव का भी आ गया, और देखिए जस्ट उसके इस गांव के जस्ट उस पार एक वो है छोटा सा गांव, वहाँ देखिए लोग रह रहे हैं, लेकिन इस गांव के अंदर पूरा बेड़ा लगाया कि रात में कोई एंट्री ना कर सके। पूरा चारों तरफ का दिखा रहा था अंदाजा, जितने लोग अंदाजा एक बार लगाइए कितना बड़ा गाँव है। गाँव का तो पूरा शहर हो गया इतना बड़ा, मैं हमको कई हज़ार लोग आए थे, लेकिन इतना अपना पूरा पूरा घर एक तरह से खाली कर देना बड़ा ही गजब होता होगा, गजब। और वर्ल्ड फेमस कुलधरा पूरा लोग जानते, विश्व का सबसे भुतहा गांव, सबसे भुतहा जगह वो है भानगढ़ का, सबसे भुतहा गांव कुलधरा है, ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर सबसे भुतहा, भानगढ़ के बाद यही आता है सबसे भुतहा, लेकिन गजब का बहुत बेहतर कुलधरा। तो गाइज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कुलधरा गांव का, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था और ये कुलधरा का पूरा गांव यहाँ से अंदर तक जा रहे हैं। सो कुलधरा गांव सुना होगा आपने कई बार, यहाँ के बारे में काफ़ी मशहूर किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारी वो बातें हैं, लेकिन मोस्ट इसका जो मेन पार्ट यही थीम है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फिर आगे डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पर हुआ था कि एक साथ पूरा 84 गाँव था, 84 गाँव के लोग एक साथ पूरे गायब हो गए एक रात में, और यहाँ ये भी कि रात में जो भी आज तक रुका है कि जिंदा नहीं बचा है, तो दिन में लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन रात होते तो शाम होते तो पूरा गायब। शॉर्टकट में था, डिटेल बताएंगे, इसलिए देखते चलिए पूरे गांव का नज़ारा चल रहे हैं, देखते गांव में क्या, मतलब इतने अच्छे खुशहाल गांव का आके छोड़ के एक रात में पूरे लोग गायब क्यों हो गए, क्या पहले देखने के बाद उसे कि कोई अपना गाँव इतना कैसे छोड़ के चले गए। चलते हैं अब यही शाम का ही पूरा एकदम तुरंत लोग गायब, कितने बार लोग आए हैं, कई बार कुछ किया कि रात में लोग आए रोक उसको वो करे, लेकिन नहीं बिल्कुल लोग यहाँ से एकदम लोग डर के भाग जाते, लोग जो भी बोलते हैं या हमेशा मतलब पुलिस वगैरह लोग लगी थी, पूरा जितने घर वगैरह था सब पूरा वीरान। कुलधरा गाँव लोग काफ़ी सुने होंगे नाम कुलधरा, इधर के जितने घर पूरा वीरान हो चुका है अब तक। मैं भी एकदम बिल्कुल आश्चर्य में कि आखिर इतने बेहतरीन इतने सुंदर गांव का आखिर लोग छोड़कर भाग क्यों गए, तो ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या गए। देखिए पीछे का देख रहा हूँ घर में अच्छे से और दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे जगह और इतनी बेहतरीन को लोग गायब क्यों हो गए। ये जो है जमींदार मतलब यहाँ के थोड़ा सा सब लोग थे और यहाँ पे लकड़ी छत पे तो उन्हीं लोगों का ये घर है, ये तो सोचिए यहाँ से भी लोग गायब हो गए। ये घर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी वो है, फिर भी यहाँ से गायब हो जाना मतलब इतना अच्छा घर छोड़ा दे तो बहुत बड़ा ही अजूबो जैसा है। एडवर्ड कम, हाँ यही लोगों ने छोड़ दिया अच्छा घर को। अब देख रहे अंदर गांव की तरफ आ गए और देखते हैं पूरा ये भी गांव है, अब इसी तरफ गांव में चल रहे मेन गांव में चलते हैं। देखिए यहाँ से पूरा गली आ रहा है, मुझे ये गांव पूरा एकदम कितना बड़ा ये गांव है, और ये देखते हैं अंदर कितना बड़ा गांव है और इसको छोड़ा मतलब बड़ा हुआ जी, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ये लग रहा है बंद है, लोगों कुछ रहा होगा, यहाँ की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी सब बनी हुई। तो चल रहे अंदर की तरफ, तो वीरान हो चुके इस गांव में भी, यहाँ भी ये भी है जैसे यहाँ भी ये भी बोला जाता है कि जैसे मतलब आवाज़ें भी आती हैं यहाँ पे, काफ़ी तरह की आवाज़ें आती हैं, वो सुनने का कोशिश करेंगे कैसा आवाज़ आ रहा है, देखते हैं कैसे कैसे आवाज़ आती है। लाइट हाउस का एरिया पूरा गांव बन गया है, यही मैं बता रहा था, ये सामने लाइट हाउस दिख रहा है ना, ये लोग सोचे थे कि बना है, अब फिर पता नहीं क्या हुआ उन लोग एक ही रात बाद गायब, सब इतने डरे हुए इस तरीके से भागे थे वहाँ के लोकल लोग जो है बता रहे थे, अब क्या हुआ उन लोग साथ क्या नहीं हुआ सब वही जानते, लेकिन डर के भागे
ये ख़तरनाक तरीके से यही हुआ था। लाइट हाउस का स्टोरी बताने के बाद और आगे देख रहे हैं जो इन लोगों का देखते रहन सहन कैसा था। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ बना, मतलब गाँव में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी थी। लगता है कुछ हवा नहीं, कुछ चीज़ का हुआ होगा। सब का सब टूटा फूटा हुआ है, वीरान हो गया पूरा एक तरीके से। इतना गांव का वो छत वगैरह बर्जा वगैरह था सब टूट गया है। अब आसपास भी बहुत सारे गांव हैं इसी टाइप के, काफ़ी बसे हुए इस टाइप के बना, लेकिन वो सब काफ़ी मतलब डेवलप लोग रह रहे हैं अच्छे से। लेकिन इसी गांव का अचानक से गायब हो जाना इतनी रास्ते में एक तरीके से बड़ा अजीब होता है। और ये न जाने क्या बना है हर काफ़ी जगहों पर, ये क्या है वैसे समझ नहीं आया। काफ़ी छुरा होगा तो लोगों के घर का रोशनदान है। अब चल रहा हूँ उधर भी गांव के पीछे वाले एरिया में, वहाँ से काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं। और पीछे वाले एरिया में देखते हैं, मतलब ये भी गांव का काफ़ी दूर तक पार्ट था। और देखते हैं पीछे वाले एरिया में क्या है, और घर के अंदर भी एक बार रुक जाए। मैं घर के अंदर का एक बार दिखा रहा हूँ क्या घर के अंदर क्या है। देखिए घर के अंदर का कुछ पार्ट क्या क्या जैसा है। अब तो पूरा वीरान हो गया लगता है, इन लोगों का मुँह सब रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और जब भी रहा होगा तो पूरा खंडहर बिना अपने से बहुत बेहतरीन रहा होगा जो भी हो। अरे कुलधरा गांव के अंदर आना और इसके अंदर बनाना बड़ा ही डरिंग लगता है, लेकिन भाई यही है तो रिसर्च टूर किस काम के। लेकिन ये जो सामने बना है ना, ये हर जगह बना हुआ क्या है, इसमें से हवा जैसा दिया गया और ये हवन कुंड जैसा